हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तनीषा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बर्थडे वाले दिन कैसा मेकअप किया था। बेसिकली ये एक छोटा सा गेट रेडी विद मी काइंड ऑफ वीडियो है। तो मेरा बर्थडे था 7 नवंबर को और आज है 13 नवंबर। तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, पर क्या कर सकते हैं, अभी टाइम मिला तो अभी वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी, मतलब मैंने अपना यहाँ पे मतलब स्किन को पूरा अच्छे से प्रेप करके रखा हुआ था, CTM कर रखा था पहले से। सबसे पहले अपना प्राइमर लगाएंगे, तो इनसाइड का प्राइमर है और इसको मैं बहुत ही हल्के हाथों से मतलब कम प्रेशर देते हुए उंगली से लगा लूँगी, जहाँ जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स मुझे लगते हैं कि जहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा पोर्स हैं। और इसके बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर। अच्छा, प्राइमर लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने स्किन को मतलब एब्जॉर्ब करने दे, प्राइमर एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब, अरे जो भी बोलते हैं वो करने दे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो मतलब 5 से 10 मिनट रुक जाएं, उसके बाद कंसीलर लगाएं। तो मैंने कंसीलर लगा लिया है अपने अंडर आईज और थोड़ा सा मतलब अपर लिप्स एरिया पे लगा लिया है। मुझे ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत है नहीं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है मेरे और ना ही ज़्यादा डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो फिर भी मतलब थोड़ा सा लगा ले रही हूँ, मतलब अब बर्थडे के लिए रेडी हो रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा करना पड़ता है ना गाइस। तो चलो लगा लेते हैं और इसको अपने कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं एकदम अच्छे से। तो फिर ये जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो गाइस, अब मैं 22 इयर्स की हो गई हूँ और धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हूँ और एक एक साल बीतता जा रहा है। इतने जल्दी 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 टाइम चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर वाला बर्थडे भी अभी अभी कल परसों में तो गया है। मतलब ऐसा पुराने ऑफिस जब मैंने छोड़ा था अपने लास्ट ईयर वाले बर्थडे में। तो चलो ठीक है, अपना कंसीलर ब्लेंड कर लेते हैं, टाइम तो बीतेगा, उसको कोई रोक तो सकता नहीं है। अब हम यूज़ करेंगे मेबलिन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये मुझे बहुत पसंद आ गया है, पहली बार जब लिया था इसको पसंद आ गया तो फिर उसके बाद से 2-3 बार खरीद चुकी हूँ। अब आगे भी ज़िंदगी भर नहीं, जब तक मतलब अच्छा लगता रहेगा तब तक खरीद चलाती रहूँगी इसको मैं काम। तो वही कंसीलर वाले ब्रश से ही इसको हल्का हल्का सा जहाँ पे कंसीलर लगाया वहाँ पे लगा लेंगे। अब मैं आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की और इसमें एक छोटा सा ब्रश भी दिया हुआ होता है आईब्रो बनाने के लिए, तो मैं उसी से आईब्रो बना लूँगी अपनी फटाफट। ज़्यादा बहुत ही ओवर ड्रामेटिक आईब्रोज मुझे पसंद नहीं है, नेचुरल पसंद है। तो फिर मैं ड्रॉ नहीं करूँगी ज़्यादा, बस एंड में थोड़ा सा ड्रॉ करूँगी और आगे से बिल्कुल नेचुरल रखूँगी, बिल्कुल कलर नहीं दूँगी आगे मैं। और जो स्पूली होता है इस ब्रश को, शायद स्पूली ही बोलते हैं, पता नहीं जो भी बोलते हैं, इससे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कॉम कर लूँगी अपने आईब्रो हेयर को, तो थोड़ा सा आईब्रो और नेचुरल लगेगा मेरा, कहीं पर भी कोई हार्श लाइन्स नहीं दिखेंगी। मेरा जो ये आईब्रो पैलेट है उसका शेड है 02। तो मैं बोल रही थी कि मैं दोनों आईज पे आईब्रो कर लूँ, तब आपको मैं दिखाती हूँ दोनों आईज पे कुछ भी। गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत अभी सही नहीं चल रही, तो हो सकता है मेरी आवाज़ आपको चेंज लगे, तो आप प्लीज़ काइंडली बेयर विथ मी। अभी मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन पे मतलब बहुत ही नेचुरल रहूँगी, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ओवर मेकअप कर लिया है और बहुत ज़्यादा बेस लगा लिया है। मैंने सोचा था बेस तो मैं बिल्कुल नेचुरल रखूँगी, इस वजह से मैंने मतलब बर्थडे वाले दिन पे बस हल्का सा कंसीलर और बहुत थोड़ा सा मतलब 1 से 2 ड्रॉप, हाँ चलो ठीक है मान लिया मैंने कि 2 से 3 ड्रॉप फाउंडेशन लिया है मैंने, उसी को ही बस अपनी उंगली से पूरे फेस पे इधर उधर फैला दिए और ब्लेंड, और ब्लेंडिंग इज़ द की राइट। तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे, डैप डैप करेंगे और स्पॉन्ज को यानी ब्यूटी ब्लेंडर को हम पहले से गीला करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ चुके हैं, और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पानी उसका निचोड़ लेंगे वरना आपका मेकअप ख़राब भी हो सकता है। जितना अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर मतलब सूख जाएगा आपका पानी, आप निचोड़ लोगे उतना ही नेचुरल और ग्लोई ग्लोई सा लगेगा देखने राइट। तो चलो आगे चलते हैं, अच्छे से फाउंडेशन को हम ब्लेंड कर लेते हैं। गाइस, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पे ज़िंदगी में पहली बार लेंस भी ट्राई किया था, मैंने ग्रे कलर का लेंस लगाया था, स्पाइसी ग्रे नेम था उसका और लेंस कार्ट से था, हाँ
एक्सपीरियंस का अच्छे था, काफ़ी अच्छा कलर था वो। तो अब मैं 22 साल की हो गई हूँ। चलो यही सोचते सोचते फाउंडेशन लगा रही हूँ मैं। पहले क्या मतलब कि जब मेरा बर्थडे वाला दिन था तो उस टाइम पे मैंने ना आईज़ अपनी इतनी हैवी नहीं रखी थी जितनी मैं आज थोड़ा सा हैवी कर ले रही हूँ, क्योंकि मेकअप लगाते रहो ना तो फिर हाथ चलता ही जाता है अपने आप ही। मुझे इतना पसंद है मेकअप करना, हाथ मेरा अपने आप ही चलता जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है मुझसे हर बार। तो बर्थडे वाले दिन पे क्या मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने बहुत हल्का सा बस ऑरेंज कलर का आईज़ के ऊपर लगा लिया था, मतलब एज आई शेडो। तो मैं फिर से अपने आईब्रोज को कॉम कर लूँगी और नेचुरल दिखाने के लिए, और मैं वही मेबलिन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी एक पाउडर ब्रश से, उसको अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी ताकि वो मेरा पूरा फाउंडेशन अच्छे से मेरे फेस पे सेट हो जाए और काफ़ी देर तक टिका रहे मेरे फेस पे। और थोड़ा सा मैट भी दिखा दें, मुझे ग्लोई ग्लोई मेकअप पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे मैट चीज़ें पसंद हैं एकदम, चाहे वो मैट लिपस्टिक हो चाहे मैट फाउंडेशन हो, मतलब बस मैट। तो फिर इसको लगा लेते हैं गाइस। इस बार फर्स्ट टाइम मेरी पूरी ज़िंदगी में ऐसा थोड़ी होता है, फर्स्ट टाइम मतलब मैंने लोगों के साथ मिलके 6 to 7 केक्स कट किए, मतलब इतने सारे केक। तो मैं बाद में आती हूँ उस पर। ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, इसका शेड है 04। तो इसको मैं एक छोटू से फ्लैट ब्रश से लगा लेती हूँ एकदम बाहर बाहर की तरफ, आइस के बाहर नहीं, हम एक वी शेप बनाते हैं तो वहीं पे साइड साइड में इसको लगा लेते हैं। लाइट ऑरेंज कलर है वैसे ये, और इसको हल्का सा क्रीज पे भी मैं लेके जाऊंगी ताकि थोड़ा सा नेचुरल और अच्छा सा लुक आए मेरे आइस पे। आज मैंने सोचा कि मैं एक ही वॉइस रिकॉर्डिंग में सारी बातें पूरा वीडियो एकदम ख़त्म कर डालूँ, मतलब बार बार मुझे एडिटिंग ना करनी पड़े अपने वॉइस को लेकर के, ठीक है ना, आप लोग समझ जाओ बस मेरी बात सारी। तो फिर चलो इसको अच्छे से हम लोग आगे तक लेके आते हैं आँखों में, मतलब आईज के कॉर्नर तक, इनर कॉर्नर तक, और अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको बाद में। पहले लगा लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो में। आज मैंने वीडियो भी ज़्यादा मतलब वो नहीं किया है, क्या बोलते हैं उसको, फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, वही एकदम जो रियल चल रहा है मेरा वही चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा बाद में जाके किया है फास्ट फॉरवर्ड, अभी नहीं किया है। तो अब मैं ये थोड़ा सा टैंड ऑरेंज और रेड का मिक्सचर वाला कलर होता है ना, वो अब मैं लगाऊंगी वहीं पे एकदम एंड में, आउटर वे में। और इसको भी धीरे 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 बहुत हल्का सा बस अंदर की तरफ लेके आऊंगी, हाँ ऐसे, गुड। तो ये कलर काफ़ी अच्छा था ये वाला, मैं वही देख रही थी कि ये कलर काफ़ी सुंदर लग रहा है ये वाला। आई शेडो पैलेट है 04 नंबर, काफ़ी अच्छी पैलेट है, इसमें कई शेड्स हैं अच्छे अच्छे। तो ये मतलब कि ऑरेंजिश रेड कलर मैंने लगा लिया है, पर अब मैं लगाऊंगी ये डार्क ब्राउन आईब्रो की कलर का ये शेड है, जो कि बहुत ही डार्क शेड है। तो इसको मैं बस मतलब कि आउटर वी पे ही फोकस करूंगी अपने, बहुत अंदर तक लेकर के नहीं आऊंगी, दैट मीन्स बहुत, हाँ ये मतलब बहुत अंदर तक इसको ब्लेंड नहीं करूँगी ताकि डार्क ना लगे, इनर कॉर्नर के आसपास डार्क ना लगे। अब मैं ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है लफीसा, तो इससे मैं सारी जितनी भी आई शेडो मैंने लगाई हैं, जितनी कलर्स लगाए हैं, उसको अच्छे से तीनों को मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बहुत अच्छा लगे और कहीं पर भी कोई हार्श लाइन्स ना दिखे मुझे आँख के ऊपर। और मेरी तो आदत है जब मैं कुछ भी लगाती हूँ तो फिर अच्छे से ब्लेंड हैबिट है मेरी, चाहे कितनी भी लेट हो रही हो, कितनी भी लेट, ब्लेंड करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मैंने एक और ही फ्लफी मतलब ब्रश ले लिया है, जो इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा फ्लफी और बड़ा है, उससे भी मैं मतलब ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मेरा आई शेडो ब्लेंड हो चुका है। ये रहा वो ब्रश, तो इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब इसमें जो बीच में जो कलर है ना इस पैलेट में, बीच में गोल्डन सा कलर है, वो मैं लेकर के एकदम
अंदर के तरफ लगाऊंगी आईज पे, इसको हाफ तक भी मैं लेके नहीं जाऊंगी, बस आगे आगे तक ही थोड़ा सा रखूंगी। मुझे इस ब्रश से समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था ब्रश पिक नहीं कर रहा है कलर देख रहे, तो मैंने अपने फिंगर से अप्लाई किया तो वो काफ़ी अच्छे से जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया अच्छे से। अब मैं वही ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये कलर जो है वो बाकी तीन कलर से अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं अब यही लाइट ऑरेंज कलर लूँगी और इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे भी हल्का सा लगा लूँगी ताकि मेरी आई लुक कंप्लीट हो जाए, अच्छा लगे ऊपर और नीचे दोनों। अब लगाते हैं आईलाइनर, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, किसी भी पार्टी में, किसी भी शादी में, मैं कभी भी आईलाइनर लगाती ही नहीं हूँ। मुझे ना तो पसंद है अपने मुंह के ऊपर और ना ही मुझे सही से लगाना आता है, तो मैं बस यहाँ पे भी लगा रही थी बहुत राम 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 कर कर के अंदर अंदर कि यहाँ नहीं ख़राब होना चाहिए, अगर यहाँ वीडियो पे ख़राब हो गया तो फिर बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी ना। पहले तो लोग सोचेंगे कि आता जाता है नहीं, चले ट्यूटोरियल करने आए, मजाक कर रही हूँ। तो थोड़ा सा विंग निकाल लेते हैं आईलाइनर का, हल्का सा, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक निकला हुआ विंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अजीब सा ही फील हो जाता है मेरे को देख देख के। तो ये ओरिफ्लेम का द वन काजल है जो कि हाथ से मेरे गिर रहा है, बहुत पतला काजल था ये तो गिर गया हाथ से। काजल भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा लगा लो काजल तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली आ गई हो, ऐसा बिल्ली जैसा लगने लगता है। तो मैं बहुत हल्का सा, मतलब कहीं पार्टी में जाना तो ही मैं काजल लगाती हूँ, काजल ऐसे नहीं। बस ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसको तो मुझे एवरी डे भी कहीं जाना है, मतलब ऑफिस में या कॉलेज में, तो मस्कारा तो ज़रूरी है, ये तो मुझे लगाना ही लगाना है हर रोज़। और बिना मिरर के मस्कारा लगाओ ना तो लगता है कि कहीं आँख के अंदर ना वॉर्म चला जाए, पर अब क्या इतनी प्रैक्टिस हो गई है मस्कारा लगाते लगाते, मैं तो 3-4 साल से लगा रही हूँ, तो अब लग रहा है कि नहीं नहीं अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आँख के अंदर नहीं लगने वाला, मेरे बाहर लग सकता है। तो मस्कारा लगा लेती हूँ और इससे मेरी आई लुक जो है ये वाली कंप्लीट हो गई है। और मैं लैशेस नहीं लगाती कभी भी, और दोनों आईज़ पे मैंने वैसा ही मेकअप कर लिया है सेम। तो ये है पैलेट जिसमें मतलब ब्लशर्स भी हैं और हाइलाइटर्स भी हैं। तो मैं एक पिंक सा, बहुत ही प्यारा सा पिंक, स्ट्रॉबेरी पिंक बोलते हैं या बेबी पिंक काइंड ऑफ कलर है और कोरल कलर है, इन दोनों को मिक्स करके मैं लगाऊंगी अपना ब्लश एज ब्लश। तो ब्लश मैं बस आगे की तरफ लगाती हूँ, मुझे अपने चीक्स को थोड़ा फुलर दिखाना पसंद है तो मैं आगे की तरफ लगाती हूँ, बहुत पीछे लेके नहीं जाती हूँ ब्लश को। और अब हाईलाइटर लगा लेते हैं हाईलाइटर ब्रश से, हाईलाइटिंग ब्रश से। तो हाइलाइटर बहुत ही कम लगाने का, मतलब किसी किसी को ज़्यादा पसंद होता है, लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, मुझे कम पसंद है, मुझे बस लिपस्टिक ही ज़्यादा पसंद है बाकी। अच्छा ठीक है, अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्लू हेवन की लिपस्टिक इन द शेड रूबी ग्लो। तो किसी ने मुझे बताया था कि ये जो शेड है ना, ये जो मैक का रूबी वू शेड है उसका ड्यूप है, तो बिल्कुल सिमिलर लगता है देखने में। तो फिर मैंने जल्दी से फटाक से इसको ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मैं मैक की वो 1700-1800 वाली लिपस्टिक में अभी तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, फ्यूचर में कभी देखा जाएगा जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे मेरे पास, अभी तो मैं इतने में ही काम चला लूँगी, ये वाली 200-300 में आती है कुछ। तो कलर काफ़ी सुंदर है इसका, जब भी लगा लो ऐसा लगता है कि बिल्कुल चेहरे को खिला दिया है इसने। तो गाइस मैं बता रही थी कि इस बार मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने 6 केक काटे हैं मैंने पूरे, और मैं तो जानती भी नहीं थी, मुझे मतलब पता ही नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जो इतने इतने केक लेके आएंगे मेरे लिए बर्थडे वाले दिन पे। सरप्राइज़ ही हो गई मैं तो बिल्कुल, मतलब मैं स्टेटस लगाती थी तो फिर एक दो लोग मुझे बोलते थे कि कितने केक काटोगे, कितने केक हैं तुम्हारे पास। बहुत मतलब इस बार लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे विश किए और विशेज़ दिए और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं और केक वेक भी काफ़ी अच्छा किया है। तो आई होप कि वो सारे लोग मतलब जो मेरे साथ इस बार रहे हैं, फैमिली तो रहेगी मेरे साथ, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो ऑफिस वाले लोग हैं और भी कुछ लोग हैं स्पेशल, तो वो सब लोग मेरे साथ रहें हमेशा, तो जैसे कोई नहीं रहता बट काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहें वो सब, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा फाइनल लुक है, ये जो ड्रेस है मेरी ये मैंने ऑर्गेनिक से ऑर्डर की थी, ऑर्गेनिक से आई थी, ये काफ़ी सुंदर लग रही थी, लोगों ने बोला था कि
मतलब कई लोग मुझे कमेंट किए कि ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब पीछे से देखने में एकदम डॉल जैसी लग रही है। तो आप लोग भी चेक करना, अगर अच्छी लग रही है तो आप भी ऑर्डर करना अपने लिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे टेबल आ जा रही है बीच में, कभी बाद में फ्यूचर में दिखाऊंगी पूरा। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और सब लोगों को थैंक यू जिन्होंने मेरे